दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना, इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है और कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कीपैड मोबाइल में व्हाइट कलर की डिस्प्ले आने लगती है, जैसे कि मैं आप इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें व्हाइट कलर की डिस्प्ले आ रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये किस कारण से आती है और उसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, चलिए आपको बताता हूँ। ये जो व्हाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम है उसके तीन चार कारण होते हैं। वो क्या क्या कारण होते हैं पहले वो आपको समझा देता हूँ, हो सकता है आपके उसमें कोई एक कारण रहा हो तो उससे भी आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो पहला कारण है, इसमें ये जो पॉइंट्स होते हैं उनका ड्राई सोल्डरिंग हो जाना। तो सबसे पहले तो आप इन पॉइंट्स को दोबारा से सोल्डरिंग करके देख लो, पेस्ट वेस्ट लगा के। अगर आपकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो दूसरा कारण क्या होता है इसका, यहाँ पर ये जो पत्ता है और ये डिस्प्ले है, इसके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये भाग, ये मेन डिस्प्ले का और ये मेन पत्ते का जहाँ पर जॉइंट है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आने की वजह से इसमें ग्राफिक्स नहीं आते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको ये ना डिस्प्ले ही चेंज करनी पड़ती है। तीसरा कारण होता है इसकी डिस्प्ले पूरी तरीके से कैसे ख़राब ही हो जाना। आप कितना भी कुछ कर लो ये वाइट ही रहेगी, इसमें आपको डिस्प्ले ही चेंज करनी होती है। काफ़ी बार क्या होता है इसके मदरबोर्ड में सीपीयू वगैरह में प्रॉब्लम आने की वजह से भी ऐसा होता है। अब देखिए क्या कारण है। सबसे पहले तो इसमें हम सोल्डरिंग करते हैं। पेस्ट लगाना है और ऊपर से सोल्डरिंग इसमें कर लेनी है। तो जूम कर लिया मैंने, तो यहाँ पर इस तरीके से सभी पॉइंट्स को दोबारा से आप सोल्डरिंग कर लें। सोल्डरिंग कर लिया है, अब देखते हैं कि उनका सोल्यूशन हुआ या फिर नहीं। नहीं होगा तो फिर हम इसमें डिस्प्ले को चेंज करके एक बार ही देखेंगे। अगर फिर भी नहीं आएगा तो समझ लीजिए फिर आईसी का प्रॉब्लम कोई हो सकता है। तो अभी भी इसमें वाइट डिस्प्ले है, तो चलिए इसकी हम डिस्प्ले को चेंज करके देख लेते हैं। इसके डिस्प्ले को चेंज करने के लिए आप नॉर्मली इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, वीडियो को कहीं पर भी मैं कटवर्ट नहीं करूँगा ताकि आप लोग क्लियरली यहाँ पर सीखें और समझ सकें। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लेता हूँ आयरन पे। चलिए अब मैं यहाँ पर पेस्ट लगाऊंगा, पेस्ट लगाने से काम बेहतर होता है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट डिस्प्ले को निकाल लेता हूँ। इस तरीके से पुरानी डिस्प्ले निकल जाती बहुत आसान तरीके से, ज्यादा इसको खींचना भी नहीं पड़ता है। अब यहां पर आपने सेम आईटेल की ही डिस्प्ले यूज करनी है। इसमें कितनी पिन है, 16 पिन की डिस्प्ले आईटेल की यूज करनी है। आप देख रहे हैं ये वाली, अपने पास एक डिस्प्ले पड़ी है आईटेल की जो कि 16 पिन की ही है। देखिए 16 पिन की डिस्प्ले है, यहाँ पर नंबरिंग करी होती 1 और यहाँ पर 16 लिखा होता है। तो चलिए इस डिस्प्ले को लगा के हम एक बार ही देख लेते हैं, अगर ग्राफिक्स आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर मैं यहाँ पर आईसी वगैरह में काम करूँगा। तो फिक्स करने का भी यही तरीका है, आप सभी पिन के ऊपर पिनों को रख लीजिए और इस तरीके से सोल्डिंग करते हुए चलिए। अब यहाँ पर बारीक से सोल्डिंग करनी है, एक एक पिन करते करते हुए इसमें सोल्डिंग करनी है। पेस्ट लगाएंगे, और थोड़ा सा हम इसमें सोल्डरिंग और लगा के फाइनली हो चुका है। अब देखते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। देखते हैं, फाइनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन ये जो डिस्प्ले हमारे पास है ये थोड़ा सा इसमें ना धब्बा भी लगा हुआ है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, बीच में धब्बा भी लगा हुआ है। तो ये हमने किसी अदर मोबाइल से निकाली हुई थी, तो यहाँ पर मे भी इसमें कोई लिक्विड वगैरह पड़ा हुआ हो सकता है। देखिए, देख रहे हैं आप, ये लिक्विड पड़ा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से धब्बा दिख रहा है, हल्का हल्का से धब्बा सा दिख रहा है। ये देखिए, वैसे मार्केट से भी आप लेके डाल सकते हैं, बट मेरे पास तो ओरिजिनल डिस्प्ले, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। तो थोड़ा सा जो धब्बा दिख रहा है पीछे से, मैं इसको हटा के उसको क्लीन करने की कोशिश करूँगा। कुछ लिक्विड है इसके अंदर, देखिए कुछ लिक्विड सा है।
चलिए चेक हो गया फाइनली, यानी कि इसमें जो है ना डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन हमने कर लिया है। तो दोस्तों इतने आसान तरीके से आप डिस्प्ले भी रिप्लेस कर सकते हैं और जो भी चीज़ें थी बताया। अगर हाँ आईसी से प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको आईसी को ही रिवॉल्व करके देखना होता है मेन सीपीयू को, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।